हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 50 और जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020। तो बच्चों, यहां पर आपको सब्जेक्ट लिख लेना है हिसाब, जो कि हिंदी मीडियम में है आपका, और जो भी आपकी कक्षा है 6, 7, 8 में से वो आपको यहां लिखनी है। आपको अपना नाम यहां पर लिखना है स्टूडेंट्स, और यहां पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है किस तरह से हम विभाजित करते हैं, विभाजित गुणनखंड हमें निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि जितनी भी नोटिफिकेशन या जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप स्माइली फेस आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये 24 स्माइली फेस है। ये 24 का रीजन है क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है बच्चों हिसाब के अंदर, वो क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है 24 नंबर का। ठीक है, तो जानते हैं 24 नंबर को कैसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो 24 का गुणनखंड कैसे कैसे कर सकते हैं हम, तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है सोल्व करने की। वो क्या है कि जो भी नंबर आपको निकालना है गुणनखंड, उसका हमेशा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने 24 जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करूंगा मैं 1 से, तो डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल हमारा 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है इसका फैक्टर है इंग्लिश में, और हिंदी में अगर कहें तो गुणनखंड है। इसी तरह से 24 को मैं अगले नंबर 2 से डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा मेरे को कि 24 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब शेषफल इसका 0 आना चाहिए। अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि 2 जो है वो इसका गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम देखेंगे 3 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 24 को, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका शेषफल 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो ए गुणनखंड ऑफ 24। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गुणनखंड को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर तरीका बताया हुआ है कि 1 को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या आ गया बच्चों, 24 आ गया। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर कितना आ गया, 24 आ गया। 3 को 8 से गुना किया तो नंबर कितना आ गया, 24 आ गया। 4 को 6 से गुना किया तो भी नंबर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1, 2, 3, 4 सभी के सभी गुणनखंड है किस संख्या के, 24 संख्या के। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है ये। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। 1 यहां पर लिख लेंगे और जो नंबर दिया हुआ है वो 24 यहां लिख लिया, तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर 24 आ रहा है। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो नंबर 24 आएगा, तो 2 भी इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 3 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया मतलब गुना किया तो 24 आ गया। इसी तरह से अगला नंबर है 4, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 24 आ जाए, 4 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर कितना आ गया बच्चों, 24 आ गया। तो 5 अगला नंबर आ रहा है 5, 5 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं 24 नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 5 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगला नंबर क्या हो जाएगा, 6, 6 अब उल्टा नंबर स्टार्ट हो गया। उल्टा का मतलब यह है कि 1, 2, 3, 4 तो आ चुके हैं इसके गुणनखंड, अब अगला नंबर है 6, 8, 12, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं बच्चों 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ये सभी नंबर जो है इसके गुणनखंड आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 को 24 को 1 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 24 को 2 से डिवाइड किया तो भी शेषफल 0 आ रहा है। 24 को 3 से डिवाइड किया तो भी शेषफल 0 आ रहा है। इसी तरह से कोई भी नंबर, कोई भी गुणनखंड कब होगा, जब उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करो तो शेषफल 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी इसके गुणनखंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर स्माइली फेस आपको दिए हुए है। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 लाइन दी हुई है, हर लाइन में 8 बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह से हम 24 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है बच्चों आपके सामने, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी है,
एक कक्षा है जिसके अंदर 24 विद्यार्थी है। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। तो किसी दिन अध्यापिका जो टीचर है उन्होंने बच्चों को बोला कि इस प्रकार पंक्तियां को अरेंज करो कि जो पंक्ति में हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी बैठे हो। तो हमने मतलब बच्चों ने क्या करा, 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। तो 4 पंक्तियों में 6-6 विद्यार्थी बिठा दिए तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 24 हो गए, 4 6 24। तो 4 क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर एक विद्यार्थी ने कहा दूसरे विद्यार्थी ने कि 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो अध्यापक ने आंसर दिया कि बहुत से तरीके हो सकते हैं, बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो अध्यापक ने कहा बिल्कुल, दोनों बच्चों ने जो आंसर दिया दोनों का सही आंसर था। तो अब अध्यापक ने यह भी बोला कि इसके कई तरीके हो सकते हैं, तो बारी बारी से देखते हैं कि किस तरह से ये तरीके बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक ही पंक्ति है उसमें 24 विद्यार्थी हो, ये भी हो सकता है तरीका। 2 पंक्ति है हर पंक्ति में 12 विद्यार्थी हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। 3 पंक्ति है तीनों पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, 8-8 विद्यार्थी हो, तो भी ये तरीका हो सकता है। 4 पंक्ति है चारों पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो बच्चों, 6-6 विद्यार्थी हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। 6 पंक्ति है 6 पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो बच्चों, 4-4 विद्यार्थी है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और 12 पंक्ति है 12 पंक्ति में 2-2 विद्यार्थी हो, तो ये भी बच्चों एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि आप स्माइली फेस में देख पा रहे हो। ये पहला है कि एक पंक्ति है दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति में 12 विद्यार्थी है और दूसरी पंक्ति में भी कितने विद्यार्थी है बच्चों, 12 विद्यार्थी है। तो इस तरह से आप 2 पंक्ति देख रहे हो, दोनों पंक्ति में 12-12 विद्यार्थी है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 × 12 एक फैक्टर हो गया, या 12 × 2 ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो गुणनखंड क्या क्या हो गए इसके, 2 × 12 मतलब 2 और 12 दोनों के दोनों गुणनखंड आ जाएंगे। इसी तरह से बच्चों आप यहां देख रहे हो, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये थर्ड पंक्ति, ये फोर्थ पंक्ति, हर पंक्ति में 6-6 विद्यार्थी है। तो मैं कह सकता हूँ 6 × 4 = 24 आ रहा है। ठीक है, तो 6 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा और 4 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 3 पंक्ति है, हर पंक्ति में 8-8 विद्यार्थी है, तो मैं कह सकता हूँ 3 × 8 तो इसका 3 भी गुणनखंड हो जाएगा और 8 भी गुणनखंड हो जाएगा, दोनों का मिला के मल्टीप्लाई करके कितना आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने समझा ये दोनों एग्जाम्पल आपको जो दिए हुए थे इसके फैक्टर कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं और उनकी गुणनखंड संख्याएं क्या क्या होगी वो कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 42, तो आपको ये 5 टास्क दी हुई है, इन 5 टास्क को हम सॉल्व करेंगे 1 by 1। तो पहला है बच्चों 42, तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 42। तो 1 को 42 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, मतलब 42 आ रहा है। इसी तरह से अगला नंबर हो जाएगा बच्चों 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 42 आ जाए, 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 42 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब गुणनखंड हो जाएगा। 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करूँ 42 आ जाए, 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आ जाएगा, तो 3 भी इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब मैंने देखा 4 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं 42 नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 4 जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह से अगला नंबर आ जाएगा बच्चों 5 को भी मैं किसी से मल्टीप्लाई कर लूं 42 नहीं आ सकता, जिसका शेषफल 0 हो, तो 5 भी इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब अगला नंबर आ रहा है बच्चों 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 42 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका नंबर आ जाएगा 42, तो मैं कह सकता हूं कि 6 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब अगला नंबर 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा, जो कि ऑलरेडी इसमें आया हुआ है, तो ये उल्टा नंबर स्टार्ट हो गया। उल्टे का मतलब ये है कि आप अगर गुणनखंड लिखो इसके, तो गुणनखंड जब आप यहाँ पर लिखते हो तो ये ध्यान रखना कि पहले तो आपको वही नंबर लिखने हैं जो आपने निकाले हैं। तो क्या क्या आ जाएंगे गुणनखंड, 42 के गुणनखंड वो हो जाएंगे बच्चों 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये नंबर तो हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा जी, 7 के बाद 14 हो जाएगा, उल्टे नंबर स्टार्ट हो गया, मतलब ये सारे के सारे आपके गुणनखंड की फॉर्म में आएंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 42 के गुणनखंड हो जाएंगे दिस वन। ठीक है, तो ये वर्कशीट में जल्दी से आपको उतार लेना है। क्लियर,
समझने के बाद। अब देखिए अगला नंबर है 60, 60 का गुणनखंड आपको निकालना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है। अब तरीका आपको समझ में आ गया है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1 और 60, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अगला नंबर क्या होगा बच्चों, 2 को किससे मैं गुना करूं तो 60 आ जाए, 30 से गुना करूंगा तो 60 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो 2 भी इसका गुणनखंड हो गया। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इसका 60 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, 4 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 60 आ जाएगा। इसी तरह से 5 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आ जाएगा। अगला नंबर आ रहा है 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 60 आ जाए, 10 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से 7 अगला नंबर होगा, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, 8 भी नहीं हो रहा, 9 भी नहीं हो रहा, और अगला नंबर आ जाएगा 10 उल्टा नंबर स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है गुणनखंड जब आप निकालोगे इसके, तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके, गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों, गुणनखंड 60 के गुणनखंड, यहाँ लिख लेना बच्चों, 60 के गुणनखंड आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ऊपर से ही मैं लिख रहा हूँ 12, 15, 20, 30 और 60, ये सभी के सभी बच्चों गुणनखंड आ जाएंगे किसके, 60 के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम सभी का गुणनखंड निकालते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड टास्क, वो है 55 के गुणनखंड हमें निकालने हैं बच्चों। तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं 55 का गुणनखंड। तो 55 के गुणनखंड निकलेंगे जैसे कि हमने देखा पहले 1 और यहाँ पर 55, तो 1 को अगर मैंने 55 से गुना किया तो नंबर कितना आ गया, 55 आ गया। फिर उसके बाद 2 को मैं देखूंगा, 2 तो किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होगा 55 से, जिसका शेषफल 0 आना चाहिए। फिर 3 से देखा तो भी नहीं आ रहा, 4 से देखा तो भी नहीं आ रहा, मगर 5 से देखा तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा गुणनखंड आ जाएगा बच्चों 55। इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किसी से भी नहीं आ रहा, तो गुणनखंड किसका, 55 का गुणनखंड आ जाएगा 1, 5, 11, 55। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आपको टास्क दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, फोर्थ में 47। तो 47 एक नंबर होता है जिसको या तो वो 1 से डिवाइड हो रहा है या अपने आप से हो रहा है, तो ये नंबर होता है प्राइम नंबर। तो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर 1 और 47 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, गुना किया तो नंबर 47 आ रहा है। 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, किसी भी नंबर को से करता हूँ मैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 47 इसके रिजल्ट में नहीं आता है। कहने का मतलब है शेषफल 0 नहीं आता है, या डिवाइड करूँ तो कह सकता हूँ मैं 47 का गुणनखंड कितना आएगा, यही आएगा 1 और 47। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लास्ट है आपका 98, पांचवी टास्क है इसके अंदर 98 का गुणनखंड आपको निकालना है। तो 98 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले तो 1 लिख दिया और यहाँ 98 लिख दिया, तो 1 को 98 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया हमारा 98, यू कैन से 98। इसी तरह से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 49 से, तो गुना करने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, 98 आ रहा है, जिसका शेषफल 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, नहीं हो रहा, 6 से किया तो भी नहीं हो रहा, मगर 7 से किया तो ये डिवाइड हो रहा है। 7 को 98 को 7 से डिवाइड किया तो कितना नंबर आ रहा है, 14 मतलब 14, तो 7 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये कोई भी इसका गुणनखंड नहीं आ रहा, तो उल्टा नंबर स्टार्ट हो गया है 14, तो मैं कह सकता हूँ 14, 49, 98 ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 98 का गुणनखंड क्या क्या होंगे, गुणनखंड का मतलब है इसके हिस्से या इनको डिवाइड करने के बाद जो पार्ट्स इसके आ रहे हैं, जो डिवाइड करने के बाद नंबर शेषफल 0 आ रहा है। तो सभी को मैंने लिख दिया 1, 2, 7, 14, 49 एंड 98। तो 98 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है,
तो अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का है तो इसको दोबारे से भी आप सुन सकते हो, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है बड़े अच्छे से तो इसको लाइक जरूर करें, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ एक बेल आइकन होगी उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करें जिससे कि वो भी टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए और सबमिट कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।